हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। चाहे तो आप शाम को इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। पाव, स्टफ्ड पाव बना रही हूँ मैं, तो देखिए कैसे बनते हैं। ये देखिए मैंने सामान लिया है, पाव लिए। पाव ऐसे इकट्ठा होना चाहिए। ये तो मैंने घर पे ही बनाया है पाव। आप इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस तरह से इकट्ठा होना चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये प्याज है, ये थोड़ी सी सब्जियां मैंने ले ली हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो पाव लिया है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा गहरा, नीचे तक नहीं करना है, मतलब हाफ कट कर लेना है इसको। इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने अंदर गहरा कर देना है, जिससे कि हम इसमें स्टफिंग कर सकें। और ये पाव आपस में जुड़े रहने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने निकाल लिए, इस तरीके से ही कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से होल हो गया है। अब पीछे से कुछ नहीं हुआ इसको, मतलब हमें हाफ में होल करना है। ये देखिए मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से। अब हम इसमें सॉस लगा लेते हैं, थोड़ी सी टमाटो सॉस लगा रही हूँ। ये इस तरीके से टमाटो सॉस लगा लेते हैं। आपको ज्यादा अच्छी लगती ज्यादा लगा लीजिए, कम अच्छी लगती थोड़ी लगा लीजिए। चिली सॉस भी लगा सकते हैं आप, अगर मिर्ची ज्यादा पसंद है आपको। ये देखिए मैंने अच्छे से चारों तरफ सॉस लगा दिए। मैं थोड़ी सी सेजवान सॉस लगा रही हूँ। इसमें थोड़ी मिर्ची ज्यादा होती है, तो इसलिए अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो बेशक ना लगाइए। और जितना मिर्ची आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा लीजिए। ये देखिए अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हमने जो सब्जियां काटी हैं वो हम ले लेते हैं। आप चाहे तो इसको हल्का सा सॉटी भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि कच्ची सब्जियां अच्छी लगती हैं। ये देखिए मैंने गाजर डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दिए, ये प्याज डाल दिए, तो ये सब डाल देते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं चीज डाल रही हूँ ग्रेट करके। ये मेरा वैसे ग्रेटेड ही है, ये अमूल में आता है इस तरीके से, क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, या तो आप ग्रेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा सब्जियों का। थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो डाल देते हैं, या आप मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, मैंने ओरिगेनो डाल दिया। और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाव बनाई हुई थी इसके अंदर ये जो सब्जियों का मिक्सचर है वो फिल कर देंगे अच्छे से। पूरा अच्छे से फिल कर देना है। ये देखिए मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज डाल देते हैं, अच्छे से चीज भर के डाल देना। या आप चाहे तो चीज स्लाइस भी रख सकते हैं, पर मेरे पास चीज स्लाइस नहीं है तो इसलिए मैं इसी चीज को ही रख रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा सॉस आसपास भी लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा चीज गिरेगा नहीं और टिक जाएगा।
तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी सॉस लगा रही हूँ, जिससे एक तो फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और चीज भी इस पे लगा देंगे हम। और देखने में ही अच्छा लगता है, खाने में तो अच्छा है ही, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम इसको बेक कर लेंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा चीज लेके हम इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से मैंने सारे में लगा दिए। अब थोड़ा सा हर्ब्स ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, पर मैंने सॉस अंदर इतनी लगा दी है तो मुझे चिली फ्लेक्स नहीं डालना है, इसी तरह से रखूंगी मैं। तो चलते अब इसको ओवन में लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने ओवन प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें लगा देते हैं। चलिए वेट करते हैं फिर 10 मिनट कम से कम, या फिर चीज पिघलने तक, अच्छे से चीज पिघल जाए तब तक हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए हमारा बन गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, इसको अलग कर रहे हैं हम और इस तरीके से हम खाएंगे। वाओ, वेरी नाइस। और ये देखिए, पूरा स्टफ किया हुआ अच्छे से। ये देखिए, तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।